आप नमस्कार लाइव हैं। जी, नमस्कार। स्त्री काल के फेसबुक और यूट्यूब लाइव पे आपका स्वागत है। मैं नेहा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत, आज हम लोग बात करेंगे फाग और चैता के रंगों की। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत और पारंपरिक गीत प्रत्येक मास, ऋतु, बेला और आयोजन के लिए अलग अलग है। इनकी धुन अलग है और इनके भाव बेहद गूढ़ हैं। उत्सव और गायन के माध्यम से खुशी प्रकट करने की भारतीय परंपरा में होली का एक विशेष स्थान है। हम देखते भी हैं होली के काफी गीत सामने आते हैं, नजर आते हैं। फाग और चैता, पहले शिवरात्रि खत्म होती थी और फाग गांव में सुनाई देने लगती थी, फाग की गूंजे। चैता होली के 10-15 दिन बाद तक चैता भी गाया जाता था। अब हालांकि ये परंपरा थोड़ी कम हो रही है, पर आज हम स्त्री काल में कुछ लोक कलाकारों के साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम फाग और चैता के रंगों पर ही बात करेंगे, उनसे कुछ गाने भी सुनेंगे, उनसे इस पर राय भी लेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ उदय नारायण सिंह जी का। नमस्कार जी सर। जी उदय नारायण सिंह जी नमस्कार। भोजपुरी सिनेमा में जाने पहचाने नाम है। काफी कुछ म्यूजिक ये भी दिया है उन्होंने, काफी लोकगीत गाए हैं, काफी सारे गीत गाते हैं। और मैं साथ ही स्वागत करती हूँ रामेश्वर गोप जी का। रामेश्वर गोप जी नमस्कार। काफी जाने पहचाने नाम है इनके, आप यूट्यूब गाने सुनते ही रहते होंगे। काफी सारे पुरस्कार जीते हैं, सम्मानित हुए हैं। तो लोक कलाकार हैं, लोकगीत गाते हैं, भोजपुरी लोकगीत। और आज मेरे संचालन में सहयोग के लिए मैं विवेक जी का स्वागत करती हूँ। विवेक जी जो कि मेरे साथ इस पूरे प्रोग्राम को संचालित करेंगे और मेरी मदद करेंगे। तो सबसे पहले उदय नारायण सिंह जी, मैं आपके पास ही आती हूँ। फाग और जी चैता, आज हम मेन इसी दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो फाग और चैता जो कि अब धीरे धीरे क्या लुप्त होती जा रही है, इसके बारे में आप कुछ बताएं कि पहले कैसा था और अब इसका कैसा असर। दर्शकों का स्वागत और आभार कि आप हम लोगों को सुन रहे हैं। हम इसको आपको या चैता को अगर स्थापित करना चाहेंगे तो इसको हम प्रारंभिक दौर से लेना चाह रहे हैं। हमारे भारतीय समाज में खास करके आर्य सभ्यता से हम अपने आप को जोड़ कर देखते हैं और हमारे यहाँ की परंपरा में प्रकृति से जुड़ कर चलने की एक शुरुआत रही, बहुत ही स्तरीय। और हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के भिन्न भिन्न रंगों से खुद को जब जोड़ा तो उस स्थिति में, अब फाग की हम जहां तक बात करते हैं, फाग के वक्त अगर आप खेत और खलिहान को एक नजर देखें तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां भारत चूंकि कृषि प्रधान देश रहा है, आज भी उसका प्रभाव दिखता है, तो हमारे खेतों में हरिचीमा, चारों तरफ फसलें लहलहा रही होती हैं। और एक कृषक होने के नाते, आर्य सभ्यता से जुड़े होने के नाते, आप समृद्ध भाव से देखते हैं और चारों तरफ हरिचीमा देखकर, खेतों में अन्न देखकर, फसल की पौष्टिकता को देखकर किसान हमेशा आह्लादित होता है। एक ये एंगल है। दूसरा एंगल है कि इस वक्त जो मौसम होता है वो परमेल परवेशक मौसम, ऋतु परमेल परवेशक, जाड़ा लौट रहा होता है और ग्रीष्म आ रहा होता है। अर्थात दिन में थोड़ी सी धूप का, माने धूप की मात्रा विशेष होती है, और रात होते शाम होते सिहरन, और तो इन दो परिस्थितियों में ऋतु के आपस में जुड़ाव के समय की जो गायकी है उसे हम लोगों ने फाग नाम दिया। वसंत उत्सव इसी में मनता है। तो पहली शुरुआत इसकी हम बसंत पंचमी से करते हैं। सरस्वती पूजा होती है तो भोजपुरी ताल ठोकना, ताल ठोकाला भोजपुरी में कहते हैं कि आज ताल ठोकी, और ताल ठोकते वक्त हम फाग गाते हैं। इसी तरह इसका इफेक्ट चैत में भी होता है। जब फाग खत्म होता है, इसके बाद पूरे महीने के बाद धीरे धीरे गेहूं की फसलें पकने की स्थिति में होती हैं और चारों तरफ खेतों में होती है अंशु कलर की, स्वर्ण कलर में, सुनहरे कलर में गेहूं का जब रूप दिखता है और
आहट शुरू होती है लेता है और इसी में वो मैंने उत्साहित करता है उत्साहवर्धन। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी ना कि आपका थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, बीच बीच में कट जा रही है, जी तो आप एक बार अच्छा उसे चेक करें। जी अभी अभी कैसा जा रहा है? अब हाँ अब आ रही है जी। ठीक है जी ठीक। हाँ तो मैं बोल रहा कि आग की शुरुआत बसंत पंचमी अर्थात सरस्वती पूजा से हमारे यहाँ मानिए। जब सरस्वती पूजा होती है उसी दिन से हमारे यहाँ फागुन गाया जाने लगता है। इसको हम लोग अपने यहाँ फगुआ या होरी कहते हैं, होरी की तरह इसका इंट्रेंस होता है। और दो चीज आपको बता दें, ये एकल गायन नहीं है, चाहे वो होरी हो फाग हो अथवा चैता हो, हमारे यहाँ पुरुष वर्ग इसको समूह में गाते हैं। अब फगुआ के हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार हैं और इसी तरह चैत में भी हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार हैं। अब मूलतः क्लासिकल सेमी क्लासिकल की अगर बात करें तो उसमें चैत चैती ये दो विधाएं हैं, लेकिन अगर लोक गीतों की बात करें तो हमारे यहाँ इसको घाटो बोलते हैं, घाटो जो समूह में गाया जाता है। मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद मेरी ये स्पष्टीकरण या मेरी ये समीक्षा आप लोगों तक पहुंची होगी। जी आवाज आ रही है आपकी। जी फाग और चैता के बारे में ही पहले एक शुरुआती टिप्पणी करें कि फाग और चैता के बारे में लोगों को बताएं, जैसे कि जी वही मैं बोल रहा था कि फाग जो है हाँ। वो बसंत पंचमी के दिन से इसकी शुरुआत होती है। जी जी बसंत पंचमी मैं जी सर वो सरस्वती पूजा जो हमारे यहाँ मनाई जाती है उसमें उसी को उसी दिन हम लोग शाम को फाग की शुरुआत करते हैं और इसको कहा जाता है ताल ठोकना, फाग का ताल ठोकना। और ये एक महीने का सिलसिला है, एक महीने के सिलसिले में हम लोग भरपूर हर गांव में कहीं ना कहीं दूर से आपको आवाज आएगी समूह में बैठकर पुरुषों को गाते हुए, ये गाई है और समूह में गाई जाती है। जी बिल्कुल मैं रामेश्वर गोप जी के पास भी जाऊंगी कि रामेश्वर गोप जी आप भी हमें बताएं फाग और इसके बारे में, फिर हम लोग आगे आप लोगों से गाना भी सुनेंगे। फाग और चैता के बारे में आप भी कुछ डिटेल बताएं। सर आप म्यूट हैं। हेलो हाँ आवाज आ रही है आपकी? बिल्कुल आवाज आ रही है। जी जी आ रही है। जी बोलिए सर आवाज आ रही है। तो उदय भैया ने जी उदय भैया ने जिस उदय भैया जो हमारे भक्त कहीं खेती से जुड़ा तो और इसी में ये जो हमारा होली फेस्टिवल है उसको गांव में मनाते हैं तो ये सनातन रूप से हमारे यहाँ रहा है और भोजपुरी क्षेत्र में लोग को गाने का रिवाज है तो समय पर रामेश्वर जी रामेश्वर जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप दोबारा लॉगिन कीजिए या फिर रिफ्रेश करके इंटर कीजिए तो हो सकता है आवाज आपकी ठीक हो जाए। तब तक नेहा हम लोग बात कर ले जी से।
उदय जी से एक सवाल मेरा है कि दो ये मार्च और अप्रैल महीना, ये कह सकते हैं फरवरी मार्च और अप्रैल, ये जो जिसमें होली होली का त्योहार होता है, वसंत का त्योहार होता है, तो इन दो महीनों में ही हम लोग गाते हैं चैता और फाग। तो इन दो, आखिर चैता और फाग में फर्क क्या है, और इन लोग इसको आप गा कर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? जी हेलो, की आवाज नहीं आ रही है जी। हाँ हाँ, मेरी आवाज क्लियर है? अब आई। आंगल दृष्टिकोण से, अंग्रेजियत के हिसाब से अगर हम देखें तो वो लोग कहते हैं कि 1 जनवरी नया वर्ष है, बट ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ, हमारे गांव में, हमारे भारत में 1 जनवरी कोई माने नहीं रखता है। जैसे ही ये ऋतु परिवर्तित होता है, खास करके बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ती है, उस वक्त जो गेहूं की खेती है वो पूरी हरितमा में होती है, एकदम हरा भरा हम लोगों का पूरा बधार होता है, भोजपुरी में इसको बधार बोलते हैं क्षेत्र। और उसमें खेतों में जो हाथी फसलें हैं, उन फसलों को देखने के बाद जो कृषक है वो इतना हर्षित होता है, क्योंकि उसके पास कोई काम होता नहीं, वो तो अपने फसल के पकने का इंतजार करता है। और उस स्थिति में उसके मन से जो बोल फूटते हैं वो उसको एक ऊंचाई देता है, या उसके मन के भाव को प्रकट करते हैं। दूसरा कि इसको हमारे भारतीय आयुर्वेद ने भी बढ़िया विवेचना की है कि उस वक्त जो आदमी के शरीर की स्थिति होती है, वो जिसको बोलते हैं सर्दी का सीजन होता है जाड़े में, और ये कफ जो है वो इतना विकृत अवस्था में रहता है, फगुआ की जो गौनई होती है, होली जो गौनई होती है, उसमें जितना हम पाप को ऊंचाई पे जाकर गाते हैं, ऊंची आवाज में गाते हैं, तो हमारा कफ जो है कंट्रोल हो जाता है। ये आयुर्वेद कहता है कि खूब जोर से चिल्लाइए, आपका कफ कंट्रोल है। तो फगुआ जो है, इसलिए हमारे यहाँ एकदम मतलब मस्ती का गायकी माना जाता है। ये गायकी की जो शैली है वो अद्भुत, हम शुरू करते हैं एकदम विलंबित लगे, और एक ही पंक्ति को कई एक्सी बदलती है, आवाज की पीच ऊपर जाती है। ये अद्भुत गायकी है जो इसी सीजन के लिए ही होती है, बहुत हाई पीच महिलाओं की इसमें की जाती। तो अगर आप इजाजत दें तो एक छोटा सा मैं गुनगुना कर आप लोगों के सामने रखूं फगुआ। जरूर जरूर सर। रामेश्वर गोप जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात शायद? जी जी सर, आवाज आ रही है आपकी जी, अनम्यूट कर लीजिए ना जी, अगर बोलना है कुछ। अगर आपको आवाज मिल रही है सर, आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट है। आज काफी समस्या है इसकी, लगता है इंटरनेट की आवाज काफी बार बार बीच बीच में कट जा रही है। तब तक हम लोग कमेंट पढ़ रहे जी। बिल्कुल, रामेश्वर गोप जी भी फ्रीज हो गए और अभी उनका इंटरनेट कनेक्शन लगता है मुझे चला गया है। उदय सर, आपकी भी आवाज बीच बीच में कट जा रही है, एक बार आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। रामेश्वर जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? रामेश्वर जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? अः
तो आप एक्चुअली आपका बार बार लगता है इंटरनेट कनेक्शन कुछ इंटरनेट आपको प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन हाँ अगर आप फगुआ पे कुछ गीत सुनाना चाहें शुरू करें, उदय सर ने सुनाना शुरू किया पर हम उनकी इंटरनेट काफी मतलब डिस्टर्ब कर रही है, तो होप सो आप इस बार सुना पाए। हाँ उदय भैया गंगा के किनारे बैठे हुए हैं, वो उदय भैया क्या स्थिति है नेट की? मुझे तो लग रहा है मैं तो आप लोगों की आवाज भरपूर सुन पा रहा हूँ। जी सर, मेरा दुर्भाग्य समस्या हो रही है, तो अब आपकी आवाज आ रही है सर, अगर आप ठीक है तो आप सुनाना चाहे तो सुनाइए। हाँ मेरे सामने लोक, मेरे सामने लोकगीत के सिद्धहस्त गायक रामेश्वर गोप जी हैं, सिद्धहस्त गायक। अरे अरे और मैं जब चैता फगुआ की बात करता हूँ तो मेरे तरफ से एक फागुन का टेस्ट आपको दे रहा हूं, जो हमारे यहाँ की है, जो शुरुआत होती है ताल ठोका जाता है दरवाजे पर, अर्थात पहली शुरुआत जो फागुन की होती है, समूह का गीत, एक टेस्ट लिया जाए इसका। बाबा हरि हर नाथ बाबा हरि सोनपुर रंग ध्यान रहे कि जी। ये हुआ का स्वरूप होता है उसमें तीन चार रस के साहित्य आपको देखने को मिलेंगे। ये रस के साहित्य या तो आध्यात्मिक होंगे या श्रृंगार के होंगे। अब इसको देखा जाए, हरिहरनाथ हमारे यहाँ सोनपुर में मेला लगता है, और सोनपुर में जहाँ मेला लगता है वहां बाबा हरिहरनाथ जाते हैं। हमारा गांव वहां उसमें महादेव को देखता है और महादेव को समर्पित करके पहला गीत गाता है, बाबा हरिहरनाथ सोनपुर में रंग लूटे होरी हो होरी हो बाबा हरिहर नाथ बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में रंग लूटे। यहां से लय बढ़ेगा, बाबा हरि हर नाथ बाबा हरि हर नाथ सोनपुर में रंग लूटे होरी हो होरी हो बाबा हरि हर नाथ बाबा हरि हर नाथ सोनपुर में रंग लूटे। गाया में गजे सर लूटे काशी में विश्वनाथ हो आहे काशी में विश्वनाथ सोनपुर में रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ। पढ़ा यहां से ले, बाबा हरिहर नाथ बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में रंग लूटे होरी हो बाबा हरिहर नाथ बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में रंग लूटे बाबा हरिहर नाथ बोले द्वारिका नाथ सियावर रामचंद्र की जय। और इस तरह ये गीत एक लंबी यात्रा करके खत्म। सुनीता मैम का रिक्वेस्ट है कि अंगना में करके सिंगार गोलियां पीसे ली हरदिया। हाँ सब सुनाया जाएगा, अभी तो उन्होंने शुरू किया है। जी हमें सुंदर गाया आपने,
बहुत ही मतलब शुरुआत ही काफी अच्छी है। मैं रामेश्वर जी आपके पास भी जाऊंगी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ यहाँ जी। अच्छा अब आ रही है मेरी आवाज विवेक जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। जी जी सर कुछ समस्या होगी। रामेश्वर जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, कुछ फगवा का सुना दीजिए, आप तो लोक गीत में काफी महारत हासिल करा हुआ है आपने। सर उन आपकी आवाज नहीं आ रही है रामेश्वर जी। आवाज नहीं आ रही है। आप ठीक है? जी 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 अच्छा। कहां से गड़बड़ हुई थी? जी अब आई 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 जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी आ रही है, आ रही है जी, आ रही है सर। आप तो हाँ तो जैसे उन्होंने शुरू किया बाबा हरिहर नाथ, ये हम लोगों का पंच लाइन है ये हमारे पगुआ और होली का, और कहते हैं सुन रहू श्री भगवाना हे लाला, सुन रहू श्री भगवाना हो आहे जेही, आहे जेही सुमी रत सब काम बनत है, सुमी रहूं श्री भागा वान हो आहे जेही, आहे जेही सुमी रत सब काम बनत है। तो एक ऊंचाई होती है अलग अलग होली का जो विधा है, इसके बाद इसमें धमाड़ है, होली है, फगुआ है, तो कुछ हम लोग श्रृंगारिक गीत की ओर बढ़ते हैं, रामचरितमानस भी उठाते हैं कि माता कौशल्या यहाँ वन में राम जी हैं, कैसे होली कि राम खेले होरी लक्ष्मण खेले होरी, अरे लंका गढ़ में रावण खेले होरी, लंका गढ़ में राम खेले होरी लक्ष्मण खेले होरी, अरे लंका गढ़ में रावण खेले होरी। आगे कहते हैं कि घर ही कोसिला मैया करेली सगुनवा, बन ही में राम जी के बीतेला फगुनवा, बन ही में राम जी के। तो हमारा गृहस्थ आश्रम में अगर नायिका अकेली है घर पर और नायक बाहर है, जैसे हम लोग के माइग्रेशन की समस्या है कि पति कमाने के लिए शादी होते ही बाहर चले जाते हैं, घर छोड़ करके पत्नी अकेले रह जाती है, लेकिन होली के ऐसे मौके पर जब आने की खबर सुनती है तो खुश होती है, तो ढोलक और झाल लेकर गाँव में गाया जाता है कि खेला बहोरी हो खेला बहोरी, आ जाई है मोर बलमुआ खेला बहोरी, आ जाई है मोर बलमुआ जबरे बलमुआ टिसनिया पर अइले हो, जबरे बलमुआ टिसनिया पर अइले हो, आ चरसे अंगना बहारे गोरी, आ जाई है मोर बलमुआ खेला बहोरी, जबरे बलमुआ गोएड़वा चली अइले हो, ए जबरे बलमुआ गोएड़वा चली अइले हो, रची रची जेवाना बनावे गोरी, आ जाई है मोर बलमुआ खेला बहोरी। तो भोजपुरी के पारंपरिक जो गीतों में हम देखते हैं कि भक्ति भावना से लेकर के श्रृंगारिक गीतों को भी प्राथमिकता मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे भी समय है आए हैं जब आजादी के दिनों में लोग होली के अवसर पर गाते थे कि याद करते थे और कहते थे कि छोड़ी द विदेशी कपड़ा पहनो अपना देश के रहन सहन सीख हो, अपना देश रहन सहन सीख। इसके अलावा जब आजादी की डंका बज गई, आजाद हो गया देश, उस समय हम लोग ने गांधी को जोड़ करके होली गीत गाया था जो आज भी गांव में गाया जाता है कि पटना से लिखे गांधी भेज काला कातवा, आजादी डंका बाज गईले
हो अपना देशवाया जाति डंका बाज गईले कि पटना से लिखे गांधी भेजे काला कातवा आजादी डंका बाज गईले हो अपना देशवाया जाति डंका बाज गईले। तरह तरह के हमारे गीतों में भोजपुरी के पारंपरिक गीतों में मिलते हैं मिठास और कुछ देशभक्ति से जुड़े हुए चीज को हमारे उदय भैया सुनाएंगे कि तेगवा बहादुर को कैसे ललकारते हैं और आज भी झलकुटर में लोग आते हैं। भैया जी उदय भैया नुमाइश कर रहे हैं रामेश्वर जी। कुंवर सिंह को 1857 में हमले करते हेलो जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल हेलो हाँ हाँ जी बिल्कुल उदय जी आपको आवाज आ रही है हमारी। रामेश्वर जी ने बहुत ही शानदार गाना गाया है वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 1857 क्यों आप बोलने चल रहे हैं सिपाही रामेश्वर मैंने बताया ना कि रामेश्वर जी अपने आप में अद्भुत हैं और मैं कहीं ना कहीं इनको लोक गायकी का बादशाह मानता हूं। और रह गई बात कि इनकी अगर फरमाइश है कि 1857 में कुंवर सिंह वाला दृश्य दिखाया जाए तो जी मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट ना जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज साफ आ रही है। बंगला में उरेला अबीर हो लाला बंगला में उरेला अबी आहो बाबू आहे बाबू कुंवर सिंह सिंह बहादुर उरेला अबीर हो बाबू आहे बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर बहादुर उरे लायबीराया हो लाला बंगला में उरे लायबी आहो बाबू आहे बाबू कुंवर सिंह कुंवर सिंह बंगला में उरे लायबीरा हो बाबू आहे बाबू कुंवर सिंह ते गवा बहादुर बंगला में उरे लायबी। इसी तरह ये लय बढ़ते जाता है और पूरा ग्रुप जो इसमें है शामिल होता जाता है और ऊंची आवाज में सभी लोग इसको गाते हैं ढोलक और झाल के साथ। हम लोग बहुत ही लकी हैं कि ऐसी जुगल हमें सुनने को मिल रही है। ऐसी जुगल बहुत कम होती है और उसका संचालन करने को भी मिल रहा है, आप दोनों से बात करने को मिल रहा है, तो मैं खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि। और आप लोगों से काफी सारे हमारे फेसबुक पे लोग जो फ्रेंड्स हैं हमारे वो लोग आपसे कुछ कुछ गाना सुनना चाह रहे हैं। जैसे संजीव जी हैं, उन्होंने राम नाम सत्य है सत्य और अल्लाह अकबर वाला एक गीत अल्लाह अकबर सुनना चाह रहे हैं। संजीव जी आभार आपका कि आपने इस गीत को सुना है। दरअसल ये कबीर पर कुछ मैं कुछ खोजी प्रवृत्ति का हूँ, कबीर पर कुछ प्रोजेक्ट करते रहता हूँ। कबीर पर मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, इसमें कबीर तो विशेषकर निर्गुण के जो उनके पद होते हैं वो अद्भुत हैं ही, और निर्गुण के लिए तो बादशाह माने गए हमारे यहाँ उनकी रचनाएं। और उन रचनाओं में मैंने उसमें दो तीन चीजें देखी। एक कि चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, मौत की एक परिभाषा है। कबीर ने सबको एक जगह समाहित कर दिया। अब इसको अगर हम देखते हैं तो जैसे इस्लाम में आखिरी एक नमाज पढ़ी जाती है जनाजे की, इन्नल्लाह अलैहि राजिमुन करके है। फिर
हिंदुइज्म में जब हम आखिरी दफा उसको श्मशान ले जाते हैं, जब मैंने यात्रा शुरू होती है अंतिम, उस वक्त हमारे यहाँ वो राम नाम सत्य है कहते हैं। इसी को मैंने इसके साथ जोड़ा है, अल्लाह अकबर, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कौन ठगवा नगरिया लूटल रे, कौन ठगवा नगरिया लूटल रे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। चंदन काठ का बनल खिलौना, चंदन काठ का बनल खिलौना, तापर दुलहिन सूतल रे, कौन ठगवा नगरिया लूटल रे, कौन ठगवा नगरिया लूटल रे। अकबर, यही इसी तरह गीत का अंतरा बढ़ता है। बहुत अद्भुत अद्भुत इसको कहेंगे, क्योंकि एक साथ नेहा हम लोगों ने श्रृंगार, भक्ति और फिर वीर रस, वीर कुंवर सिंह सब एक साथ, और भोजपुरी को लेकर जो पूर्वाग्रह मेरा भी रहा है खास तौर से, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भोजपुरी गीत नहीं सुनता हूँ, अफसोस है। और अब जबकि ये दोनों, इन दोनों से अभी जो इन दोनों से बातें हो रही है और जो गीत हमने सुना है उसको सुनकर लगता है कि जो लोग नहीं सुनते हैं भोजपुरी अश्लीलता की वजह से और बहुत सारी वजहों से नहीं सुनते हैं, उन्हें एक बार उदय नारायण जी से और रामेश्वर गोप के इन गीतों को जरूर सुनना चाहिए जब भी मौका मिले तब। इतिहास, संस्कृति और साथ ही साथ कह सकते हैं कि इसमें अपने आज और कल के बारे में भी आप इससे समझ सकते हैं। तो इस कई जो नेहा इसमें मांग हो रही है हमारे जो दर्शक है वो लगातार जी। पहले तो मैं रामेश्वर गोप जी से कहना चाहूंगी कि अभी वो ऑनलाइन काफी छा गए हैं उनके होली के गीत, उनके और उनकी टीम की, तो एक तो होली की उस पे गीत आपको सुना ही दीजिए जो अभी छाए हुए हैं आप पूरे ऑनलाइन। तो चलिए, होली का तो हम लोगों ने बहुत सुना, आपने कार्यक्रम में चैता का भी नाम रखा है। जी बिल्कुल, चैता। तो अब तो हाँ, तो हम चाहेंगे कि अब होली तो अब तो बीत गई, अब हम लोग चैत की तरफ बढ़ रहे हैं और चैत की भी शुरुआत में अध्याप से लेकर के श्रृंगारी गीत और देश की आजादी से लेकर नेटवर्क इशू है उनका। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सुनीता जी ने एक गाना डिमांड किया था उदय जी से सुनने के लिए, अगर संभव है तो सर सुना दीजिए, गोरिया करके सिंगार। सुनीता जी को, अरे अब चूंकि निश्चित है कल जो फगुआ हम लोगों का निपट गया है तो गायकी में निश्चित हम चाहेंगे कि एक पंक्ति हम उसकी गा देते हैं, लेकिन हम लोग अब चैत को ही टारगेट करेंगे। गोरिया करी के सिंगार, आंगना में पीसेली हरदिया, गोरिया करी के सिंगार, आंगना में पीसेली हरदिया, गोरिया करी के सिंगार, गोरिया करी के, आंगना में पीसेली हरदिया, गोरिया करी के सिंगार, आंगना में पीसेली हरदिया।
इसमें मैम नेहा जी आपको एक और बताऊं, नायिका प्रधान श्रृंगार है ये, क्योंकि फगुआ तो है तो सीजन आप समझ ही सकती हैं, कफ वगैरह मैंने ठंडा और गर्म का हल्का सा इफेक्ट आने लगता है। जी जी। एक है कि नायिका जब बहुत थक जाती है तो वो कहती है, इसी धुन पे है, अखिया भइले लाल अरे को नींद सूते दबलमुआ, अखिया भइले लाल एक को नींद सूते दबलमुआ, भोर ही होते ता हमर सास हमसे पूछी है, भोर ही होते मोरा सास मोसे पूछी है, काहे ऐसन कैलू आपन हाल हो, आहे काहे ऐसन कैलू आपन हाल, एको नींद सूते दबलमुआ। बड़ी अजीब अजीब श्रृंगार है भगवान। रामेश्वर जी आप चेता सुना रहे थे और मैं फिर से आपसे आग्रह। हाँ, हमें कह रहा था कि चैता नवमी शुभ दीनामा हो रामा, घरे घरे बाजे लायन बधैया ए रामा, घरे घरे ए रामा चैता महीनावा, नमी शुभ दिनवा हो रामा, घरे घरे बाजे लायनंदा बधैया हो रामा, घरे घरे। उदय भैया इसको विस्तार से बताएंगे, ये जो विधा ये घाटों कहा जाता है कि इसको एक खास शैली में इसको गाया जाता है और इसको तुरंत हम लोग चैती में लाते हैं कि राम जी के भइले जनमावा हो रामा, अयोध्या नगरिया राम जी के भइले जनमावा हो रामा, अयोध्या नगरिया अयोध्या नगरिया हो अयोध्या नगरिया राम जी के भइले जनमावा हो रामा, अयोध्या नगरिया। तो राम जन्म से जुड़े हुए चीज को हम लोग इसको शुरुआत तो करते ही हैं और ज्यादा हम बढ़ेंगे तो कृषि के क्षेत्र में अगर प्रवेश करेंगे तो यही नायिका कहती है, अरे लागल बामे चैत के कटनिया हो पियावा भइले पलटनिया, लागल बामे चैत के कटनिया हो पियावा भइले पलटनिया, भइले पलटनिया सैया भइले पलटनिया, कि नायक जो है वो पलटन में फौज में काम करता है, यहाँ गांव पे पत्नी खेती में जुड़ी हुई है और वही कह रही है, अरे लागल बावे चैत भइले पलटनिया सैया भइले पलटनिया, लागल बावे चैत का कटनिया हो पियावा भइले पलटनिया, लागल बावे चैत के कटनिया हो पियावा भइले पलटनिया। अब ले चलिए उदय भैया इसको थोड़ा विस्तार से इस पर रूपरेखा रखेंगे। नेहा जी इजाजत है? जी बिल्कुल सर बिल्कुल, हम लोग तो मुग्ध मंत्र मुग्ध हो गए हैं सिर्फ सुन रहे हैं। ये तो चैत की कटनी पे चले गए हैं, लेकिन हाँ। हमारे यहाँ की जो लोक की नायिका है, लोक की जो नायिका है साहित्य की दृष्टि से देखिए इसको,
जो लोक की नायिका है वो अपने पति की मेहनत पर नजर रखे हुए है, और मेहनत क्योंकि वो रात भर माने मेहनत करके काटता है फसल, सोया है, सुबह होते कोयल बोलती है और कोयल को वो शांत करती है, क्या है, अरे सूतल सैया के जगावे ओ रामा, कोयली तोर बोलिया सूतल सैया जगावे ओ रामा, तोरी मीठी बोलिया बोलिया हो, तोरी मीठी बोलिया सैया के जगावे, तोरी मीठी बोलिया। मैं इसमें बता दूं, इसमें शास्त्रीय तत्व आपको दिखेंगे, शास्त्रीय गायन में जैसे कि एडॉप्ट किया गया है कुछ राग स्थानीय स्तर पर ही बनाए गए, जैसे झिंझोटी है, राग मांड है, वो जो राजस्थान से लिया गया, उसी तरह राग तिलक कामोद एक आता है हमारे, सा सा नि सा सा ग म ग रे ग सा नि सा प नि सा रे ग सा रे म ग सा रे ग सा नि के ये राग तिलक कामोद पर आधारित, क्योंकि हमारे यहाँ की ये परंपरागत गीतें हैं। अब है कि घाटों की गायकी की विशेषता है, इस वक्त जो सीजन होता है, इस वक्त जो मौसम का इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, हमारे यहाँ एक पारंपरिक घाटो है, इसमें शंकर भगवान पार्वती जी से गुहराते हैं, नियोदन माने निवेदित करते हैं, उनको मनाते हैं, कैसे जरा देखिए कि शंकर भगवान पार्वती से क्या कहते हैं, ये लोकगीत की पराकाष्ठा है। ए राम होता भीनु सारा लाए, होता भीनु सारा आशीर्वादी जगावे, उठ गौरा शिव जी जगा रहे हैं, भैया रगारी पियावाए रामा, पूरा बंगिया गरी पिया तू गौरा गौरा भांगी रामा, इस तरह ये गीत आगे बढ़ता है, लय की तीन चार अवस्थाएं इसमें आती हैं और गीत पूरी ऊंचाई पे जाके हाई पिच पर इंड करता है। ये हमारे यहाँ का घाटो है और चैता का प्रकार है। अब गोप जी आप अपनी शुरू ने कुछ विशेष मेरे लायक डोज दीजिए भाई, आपको भी सुने जमाना हुआ था। विवेक जी आप नहीं नहीं आपको तो हमने देखा, याद दिलाया तो आपने छोड़ा था कि कोयल कितनी प्यारी बोलती है और नायिका को जगाती है या नायक को कहती है कि जग जाएंगे इसलिए थोड़ा धीरे बोलो, कोयल के प्रति दुर्भावना क्या क्या है नायिका की, आपने उसको पूरा नहीं किया। सवाल उठता है कि देखिए तोरी मीठी बोलिया रे, तोरी मीठी बोलिया सूतल सैया के जगावे हो रामा, तोरी मीठी बोलिया सूतल सैया के जगावे हो रामा, तोरी मीठी बोलिया ओखेदा बिहान कोइलर खोतवा उजारा, ओखेदा बिहान कोइलर खोतवा उजारा,
जड़ से कटवाई बघन बगिया हो रामा तोरी मीठी बोलिया सूतल सैया के जगावे हो रामा तोरी मीठी बोलिया कि रोज रोज बोले कोयली भोरे भीनु सरमा रोज रोज बोले कोयली भोरे भीनु सरमा आज काहे बोले आधी रातिया हो रामा तोरी मीठी बोलिया आज काहे बोले आधी रातिया हो रामा तोरी मीठी बोलिया सूतल सैया के जगावे हो रामा तोरी मीठी बोलिया। ओ भैया विवेक जी कुछ आप भी बोलिए भाई। नहीं मैं सुन रहा हूँ क्योंकि देखिए आप लोग दोनों ने कह सकते हैं कि मंच आप लोग दोनों ने ही संभाल लिया, हम लोगों के लिए कह सकते बहुत आसान हो गया। हम लोग तो शुरू में डर रहे थे, हम लोग दोनों ने बात की थी पहले कि कैसे होगा क्योंकि हम लोग दोनों भोजपुरी से उतने ज्यादा वाकिफ नहीं है बोलने में, हालांकि सुनते रहे और हमारे जान पहचान में हमारे मित्र में परिवार में भोजपुरी बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आप लोग दोनों ने हम लोगों का बहुत काम आसान कर दिया। और अभी जो गीत गा रहे थे रामेश्वर गोप जी, उस गीत में कह सकते हैं अगर वो किसी जासूसी उपन्यास में अगर वो गीत होता तो बहुत एक पहेली की तरह होता और कह सकते हैं उससे पता चल जाता मौसम क्या है, गीत जो हस्बैंड है वो क्या कर रहा है, वो काम करता है और कई तरह की चीजें, आप प्रकृति का जो संबंध रहा है लोकगीतों से भोजपुरी में कह सकते हैं उसे जितना जितनी अच्छी तरीके से उतारा गया है शायद ही किसी दूसरी भाषा में उतारा गया हो। और अफसोस इस बात का है कि जो सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान मतलब भोजपुरी समाज तो सम्मान देता है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग अंग्रेजी फ्रेंच स्पेनिश दूसरी भाषाओं को या भारत की दूसरी भाषाओं को पंजाबी खासतौर से पंजाबी को देखे या गुजराती को देखे सम्मान के नजर से देखते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से अफसोस है कि हम लोग नहीं देख पाते, चाहे इसकी वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इस गीत के भी इन गीतों के बीच में रामेश्वर जी और उदय नारायण सिंह जी दोनों ने जो प्रस्तुति अपनी दी यहाँ पर और थोड़े समय में बहुत कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए और जो दर्शक है उनके लिए एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह है कि किस तरीके से भोजपुरी गीतों के जरिए आयुर्वेद में क्या कहा गया है, कफ ठीक हो सकता है, स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र है गांधी से लेकर 1857 की क्रांति का, तो इन तमाम बातों के लिए कह सकते हैं कि आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और नेहा जी अगर आप कुछ जो कमेंट्स है वो पढ़ दे तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, दर्शकों के लिए भी। वो कमेंट्स तो काफी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, जैसे अजय जी ने लिखा है कि ऐसा सांस्कृतिक ऐतिहासिक और कला का संगम मैंने आज तक किसी चैनल पे नहीं देखा और ना सुना, अद्भुत, सच में काफी मजा आ रहा है, मतलब मैं भूल जा रही हूँ कि मुझे आगे क्या बोलना है, इतना अच्छा आप लोग गा रहे हैं कि मैं मुझे लग रहा है आप लोग सिर्फ गाते रहे। राकेश जी लिख रहे हैं गजब निर्गुण कहते हैं शायद इसे, सच में जो आपने पहले गाया था। सुमन कुमार जी पूछ रहे हैं उदय भैया तो आखर परिवार से है, उदय जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, जी आखर परिवार से भी मेरी कनेक्टिविटी इसलिए है कि आखर परिवार भी भोजपुरी के लिए काम करता है ना, और ऐसे हर आयोजन में हम आखर में शामिल होते हैं क्योंकि वो लोग पूछते भी हैं और प्रतिष्ठा भी है और भोजपुरी के लिए बहुत अच्छा प्रयास करते हैं वो लोग, तो आखर से भी मैं जुड़ा हूँ जी। हाँ। अभी देखिए हम लोगों के पास समय की कमी नहीं है, है कि अब आधे घंटे आप लोग को कम से कम और सुने गाए, प्लीज आप लोग कुछ और गाइए हमें सुनाइए आगे चैता के बारे में। एक जो है क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा भी है मेरी दोनों से, उदय जी लगभग 50-53 सालों से सक्रिय रहे हैं, फाग अब आप लोग क्योंकि अब फागुन जो होली खत्म हो गया तो फाग आप लोग अवॉइड कर रहे हैं गाने के लिए जैसा मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि मौसम बदल रहा है,
तो इस वजह से क्या आप लोग, और कलाकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि मौसम के हिसाब से गीत गाया जाए और जो लोकगीत है और समय के हिसाब से, हालांकि अब आपके कलाकार जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन आप लोग पुराने कह सकते हैं कि जो लकीर है, पुरानी जो लिखी हुई बातें उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। देखिए सर, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और अगर संगीत जगत में हम इस विषय को लें तो रागों का एक समय चक्र होता है, रागों का समय चक्र, और उसी तरह हमारे यहाँ लोक में भी, और ये सारी चीजें लोक से ही शास्त्रीय ने लिया है। तो रागों के समय चक्र का अध्ययन आप करेंगे तो सुबह जैसे अगर तीन तीन घंटा का फॉर्मेट में हम पूरे 24 घंटा को बांटें, तो अब सुबह ही की बात लें, सुबह में आप जैसे ही नींद से जगेंगे, पूरब की दिशा में देखेंगे, एक अलौकिक प्रकाश आपको दिखेगा, और उस प्रकाश को देखने के बाद आप हतप्रभ होंगे कि ये कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी दृष्टि, मतलब कौन सी क्रिएटिविटी है ईश्वर की, उस अदृश्य ईश्वर की, इसने इस तरह का माहौल खड़ा किया, और आप स्तब्ध उसको देखते रहिए, लालिमा फुटनी, फिर पीलापन आएगा, फिर और धीरे धीरे चिड़ियों की चहचहाहट, उस वक्त जो आपके मन की स्थिति होती है वो शांत होती है। और उसमें जो राग ये किए गए हैं, रागों का निर्माण हुआ है, उस वक्त जो स्वर लगाए जाते हैं, भैरव, भैरवी, आशावरी, ये सारे राग इस तरह के स्वभाव के हैं कि जहां आपको एकदम शांत और गंभीर बनाता है। उसी तरह लोक संगीत में भी है कि ऋतुओं पर आधारित, जैसे तिलक का मोद है वो श्रृंगार का बोध कराता है, सारे ग सारे म ग सारे ग सा नी पनी सारे ग सारे म ग सा। अब सुबह की बात, जैसे ही आप दोपहर में आते हैं शास्त्रीय संगीत में, आपकी मानसिक अवस्था बहुत चंचल सी होती है, रे म बनी सा नी ब मरे मरे सा नी सा रे म पनी ब रे मरे सा नी सा, आप फास्ट हैं। जैसे ही आप 3 बजे के आसपास पहुंचेंगे, सा अलसाया हुआ सा स्वर लगने लगता है, और ये उस वक्त आप हल्का सा थकने लगते हैं। इस तरह रागों को एक 24 घंटे में आम आदमी का अध्ययन करके स्वरों का अध्ययन होता है, और इससे अगर आप अलग जाते हैं तो राग प्रभावी नहीं होते, स्वर प्रभावी नहीं होते। इसीलिए जब फगुआ गुजर गया, जब फगुआ गुजर गया, उस स्थिति में फिर फगुआ को गाना थोड़ा सा हम लोगों को शोभता नहीं, या प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो लोग हैं उनकी बात अलग है, बस यही कहना था। जी बहुत विस्तार से, और आपने जो बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय का पाबंद होना और गीतों में किस तरीके से और लोक गीतों में किस तरीके से समय और ऋतु दोनों का एक तरह से बंटवारा किया गया है, वो संगीत के जो छात्र है और जो संगीत समझने की कोशिश करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई जो डिमांड्स आ रही है नेहा, यहाँ पे मनोरमा जी, बिल्कुल आपसे मनोरमा जी काफी देर से अनुरोध कर रही है कि एक एक फगुआ का जरूर सुनावे के अनुरोध बाप, तो एक फगुआ तो आप लोग सुना ही दीजिए, इतना अनुरोध किया जा रहा है आप लोगों से। गोप जी, हाँ, रामेश्वर जी, गोप जी, जी, अब चूंकि मनोरमा जी के फरमाइश बा बबुआ अभी ले भोजपुरी ना बोलनी हो, तो हमने के तनी खाटी भोजपुरियो बतिया लेवे के। हाँ तो चलिए, हम तो हमने कार्यक्रम के समाप्ति की ओर बानी सने कहो को सुनावे के फरमाइश बात, तो हम दोनों मिलिए के सुना देवे के। तो देखिए कहल गइल बा कि मैं उस्ताद झारत है जुगी तोरी पर चढ़ावत है लंगोटा, झारत है केस निहारत है ऐना, अध्य ढोलक पत्ताल
पुर्जा मैना मैना बोलो हाय या हाय या हाय हा सारा रा 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 काहे खाती राजा रूसे काहे खाती रानी काहे खाती बकुला रूसे मारे उल्टा बानी बोलो हाई या हाई या हाई कि पाँच रुपया पिया पाटना से भेजले पाँच रुपया पिया पाटना से भेजले हसुली गढ़ाई की छवाई बांगला ए जी हसुली गढ़ाई की छवाई बांगला आसरे सवा में चुएला हमार बांगला आसरे सवा में चुएला हमार बांगला कि पाँच रुपया पिया पटना से भेजले कौने बेरा के बात हो उधर भी आई जना बेरा पाँच रुपया मनी ऑर्डर आवत हुई सुनाता कि पाँच रुपया उस कि पाँच रुपया पिया पटना से भेजले हसुली गढ़ाई की छवाई बांगला असरे सवा में चुएला हमार बांगला असरे सवा में चुएला तो ये हमारे ये पोपट है धमार है जोगीरा है कोई तरह से चीजों गाया जाता है लेकिन हम एक चीज कहेंगे कि जब हम फाग और चैता कार्यक्रम का नाम रखे हैं तो कृष्ण को छुए बिना हम लोग अगर ज्यादती कहेगी अगर उनको हम याद नहीं करते हैं क्योंकि संगीत का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु रहे हैं भगवान कृष्ण गीत संगीत से जुड़ा हुआ तो चैत में खास करके लोग गाते हैं कि ए रामा कहे ले कन्हैया सुन प्यारी राधिका ए रामा तोरा मोरा प्रीत भइले माधु बनावा ए रामा तोरा मोरा प्रीत भइले हेलो ए राम कहे ले कन्हैया ए रामा कहे ले कन्हैया सुन प्यारी ए रामा तोरा मोरा प्रीतम वाह हेलो जी उनकी आवाज कट गई है देखिए आवाज फ्रीज हो जा रही है आवाज कट रही है फ्रीज हो जा रही है ठीक है जानते हैं विवेक जी जोगीरा हमारे यहाँ का रैप है मैं बता दूं इसका लिटरेचर शायद आपके काम आ जाए ये जब महर्षि योगी अभी चल रहे हैं गोरखनाथ गोरख धाम जो है ना तो ये आदित्य जो परंपरा रही है वहाँ ये जोगी परंपरा उसमें जोगियों की जो मानसिक अवस्था रहती थी वो लोग तो फक्कर हुआ करते थे तो जोगी से जोगीरा बना ये जोगी लोगों का कौन काठ के बनल खड़ौवा रामेश्वर गोप आप जी कौन यार बनाया हाँ आप इसको बोले कौन काठ के बनल खड़ौवा कौन यार बनाया बोलिए हेलो कट गया वो उनका कनेक्शन लॉस हो गया एक समस्या पैदा कर रही है आगे आ रहे हैं आगे हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि जोगीरा जो है ये वैसी परंपरा है कि ये स्पेशली भोजपुरी ही में पाई जाती है और ये अपने आप में रैप है और इतना उल्लास है इसमें इतना जोश है इसमें कि आप इसको सुनेंगे तो बहुत चक रह जाएंगे क्योंकि अजीब गायकी का प्रकार है इसमें आवाज मेरी आ रही है मनोरमा जी आप लोगों से कोई राजनीतिक व्यंग वाला जोगीरा भी सुनाने पे उनके लिए कह रही हैं मनोरमा जी अब राजनीतिक व्यंग
का चाहती हैं, हम लोगों पर केस करवाएंगी का? देखो रामेश्वर, कुछ बना बनाया है मटेरियल तो निकालो भाई। अब तक महेंद्र मिश्र और पूर्वी भिखारी ठाकुर, संजीव चंदन कह रहे जी महेंद्र मिश्र। यूपी के चुनाव के, हेलो, यूपी के चुनाव के भैया देखनी कमाल, योगी जी मोदी जी मिल के भाई कैले धमाल बोरो। हेलो हेलो, हरी आवाज मेरी सारा। तो राजनीति व्यंग यही है कि यूपी के चुनाव में देखी भाई कमाल, मोदी जो की मिल के उड़ौले है धमाल बोलो तो ये मंच जब होता है तो जैसे अभी जोगीरा का बहुत बढ़िया भैया बोल रहे थे कि कौन खाट के बने खड़ा हुआ कौन यार बनाया, कौन काठ के बने खड़ा हुआ कौन यार बनाया, और कौन गुरु का सेवा किया कौन खड़ा हुआ पाया बोलो तो उत्तर उसमें होता है कि चंदन काठ के बने खड़ा हुआ बढ़िया पाया बोलो हैया। तो जोगीरा का बहुत बढ़िया उदय भैया ने उस बात को रखा था कि जोगीरा की उत्पत्ति कहां से हुई और कहां का ये रैप सॉन्ग हम लोग से जुड़ा गया है। तो हमारा तो नेट भी अब खत्म हो रहा है इसलिए मैं ले रहा हूं अभी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, कर रहा है कि नेट खत्म हो रहा है। बहुत मजा आया आपसे बात करके और आपके गानों को सुनकर। जी अब मैं ये बताऊंगा कि दरअसल एक दिन में सब कुछ कंपाइल किया नहीं जा सकता है। भोजपुरी जितनी समृद्ध है विवेक जी, नेहा जी, आपने जो सब्जेक्ट रखा था अगर हम लोग उसी पर केंद्रित हो जाएं तो दो तीन घंटे का एपिसोड है। और उसमें अब निर्गुण, महेंद्र मिश्र जी, भिखारी ठाकुर जी, बहुत सारे तमाम जो भोजपुरी की शैली है, भोजपुरी के गायन के विधाएं हैं अलग अलग हैं और सबों में अलग अलग सामर्थ्य है सब कुछ रख देने का। तो कभी और आप लोगों का ऐसा अवसर हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग और आपसे जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है। रामेश्वर जी भी आपके हैं, हम भी आपके हैं, फिर कोई एक तिथि तय की जाए। इसलिए दरअसल बात यह कि जब दो कलाकार और इतने दिग्गज कलाकार एक साथ मंच पर होते हैं तो आप समझे कि अब वो जमाना तो नहीं रहा, अब इंटरनेट ही जो कह सकते हैं कि श्रोता है हमारे इससे जुड़ते हैं और वो उसी तरीके से डिमांड करते हैं जैसे गांव में या फिर मुशायरों में होता है कि एक एक शेर और एक शेर। इसलिए इसीलिए इस तरह जो तमाम जो मांग आ रही है कि रामेश्वर जी से या उदय जी से इस गीत महेंद्र मिश्र और पूर्वी भिखारी ठाकुर की बातें जो सामने आ रही है, अगर आप लोग चाहें तो जाते जाते नेहा, क्योंकि दोनों काफी वक्त हो गया है तो जाने से पहले अगर आप लोग एक एक गीत जो हमेशा सुनाना चाहते रहे हैं या जो ज्यादा डिमांड में रहा हो या फिर वो जो आपको बहुत पसंद हो। जी बिल्कुल, महेंद्र मिश्री जी की एक रचना मैं आपको रख रहा हूं, छोटा बहुत हल्का सा। एक गो मठिया के कई गो खेलवना राम, मोर सवरिया हो गढ़े वाला, एक गो कुहार मोर संवरिया हो गढ़े वाला, एक गो सोना। ये पूर्वी की विधा है जो महेंद्र मिश्र जी द्वारा स्थापित की गई है और मैं आपको बताऊं कि पूर्वी की एक अलग परंपरा है गायन की जिसमें कई तरह की रचनाएं हैं। ये इसमें दर्शन है, अध्यात्म है। अगर हम इसको श्रृंगार में लाएं तो अजीब अजीब, अरे अंगूरी में डस ले बिया नगिनिया रे ननदी सैया के जगादा। ये अजीब अवस्था में नायिका है और वो बोल रही है
सैया के जगा दान न दो, सैया के जगा दो, अरे पोरे पोरे उठेला दर्दिया न दो, सैया के जगा दो, अंगूरी में डसले बिया नगिनिया न दो, सैया के जगा दो। मतलब बहुत लंबा लिटरेचर है ये, तो फिर मैं चाहूंगा कि फिर एक मौका आप लोग देंगे, उस हिसाब से फिर सभी लोगों से हम लोग जुड़ेंगे। जी जी निश्चित तौर पर नहीं भरा है, और आप लोग मतलब किसी दिन और आए तो हम लोग काफी सारी बात करें, क्योंकि जितना मैं आपको सुन रही थी, पहले भी सुना, तो फ्यूजन पे भी आपने काफी कुछ गाया है, पुरानी संस्कृति और आज की संस्कृति को जोड़ते हुए भी, ताकि आज के आधुनिक जो बच्चे हैं वो भी भोजपुरी लोकगीत से जुड़ सके। तो बहुत मजा आ रहा था। विवेक जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी शुक्रिया। के अलावा अभी फिलहाल क्या कहें, क्योंकि चाह तो रहे उदय नारायण जी बहुत कुछ बोलना, लेकिन समय की कमी है, क्योंकि रात के 9:15 बज चुके हैं और बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, और कल ही होली खत्म हुई है, तो इसका असर भी अभी दर्शकों पर दिख रहा है, और दर्शक लगातार जो हमारे डिमांड भी करते रहे, तो निश्चित तौर पर अगली बार जब हम लोग किसी अलग विषय पर और आपके स्पेसिफिक जो बात कर लेंगे हम लोग पहले से कि इस विषय पर, और विस्तार से चर्चा करेंगे भोजपुरी गीतों के साथ साथ अन्य विषयों पर भी, तो हम लोग आपका और रामेश्वर गोप जी तो चले गए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और चाहेंगे कि आप दोबारा हम लोगों से जुड़े, और हमारी जो हमारे दर्शकों की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाई आज, वो फिर दोबारा वो पूरी करें। शुक्रिया आपका, और नया जी आपका भी निश्चित कंफर्टेबल फील कराने के लिए, थैंक यू। सभी दर्शकों का आभार कि हम लोग जैसे लोगों को सुन पाए वो, इसलिए कि हम लोग उस लायक रहे नहीं, अब तो जमाना बहुत आधुनिक युग में है, फिर भी हम लोगों ने एक मसाल उठाई है कि भोजपुरी की जो समृद्ध परंपरा है वो किसी तरह जिंदा रहे, और आप जैसे दर्शकों का, आप जैसे ऑर्गेनाइजर्स लोगों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया। चलिए फिर मिलते हैं, सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।